कह रहा है कि मैं इसको अपने बालों को नोचूं, जिस्म पे मुक्के मारूं के इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा कि आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1 और 2, 24 करोड़, 75 लाख, 20 करोड़, 50 लाख, ये आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आए दिन बातें कर रहे होते हैं इस साल हम PSL PIPL को बीट कर देगी, और भाई कैसे कर देगी, हर साल तो IPL ऊपर जाता जा रहा है। पिछले साल सैम कर सबसे महंगा खिलाड़ी बना मिचेल स्टार्क, IPL की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर बिका है, 24.75 करोड़ में बिका है भाईजान मिचेल स्टार्क। KKR ने लिया है, गौतम गंभीर ने भाईजान अड़क लगा ली हुई थी कि चाहिए ही चाहिए स्टार्क, मतलब आप अंदाजा लगा लो 24 करोड़ से ऊपर में बिका है मिचेल स्टार्क। मतलब इतने पैसे में 15 PSL में करवा लूं, और कुछ PSL में जो पैसे बचे उसमें मैं पाकिस्तानी प्लेयरों की इंग्लिश बेहतर करवा लूं, उससे मैं इस घंटे की इंग्लिश बेहतर करवा लूं। यकीन करो यार भाई, 1 करोड़, 2 करोड़, 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ों में, करोड़ों में प्लेयर्स खरीदे जा रहे हैं भाई साहब, पैसा उड़ रहा है। और क्रिकेटर्स जो है जो खरीदे जा रहे हैं, दे आर ओवर द मून, दे आर एक्साइटेड। 20, 20.5 करोड़ कमिंस, और अभी स्टार की बोली चल रही थी अभी 24.75 सोल्ड टू KKR, 24.75 से महंगा खिलाड़ी बना, तो इस साल पैट कमिंस ने रिकॉर्ड बना दिया, 20 करोड़ 50 लाख का, पाकिस्तानी 70 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वो लेगा खेलने का IPL, और फिर कहां से उम्मीद रखते हो कि पैट कमिंस जैसा बंदा PSL में आके खेलेगा। 70 करोड़ उसको मिल रहा है, IPL ने तबाही मचा के रख दी। यही नहीं, रिकॉर्ड बनाया महंगे तरीन प्लेयर का, वो महंगे तरीन प्लेयर का रिकॉर्ड 1 घंटे बाद टूट के रह गया। मिचेल स्टार्क ने मेला लूट लिया, 24 करोड़ 75 लाख, पाकिस्तानी तकरीबन 80 करोड़ के आसपास ये बंदा बनता है, 80 करोड़ के लगभग आसपास, पता नहीं कहानी जा रही है 75 करोड़ के आसपास है या कितने पे जा रहे हैं, लेकिन मोर देन 70 करोड़ ही है, और 80 करोड़ से कम ही होगा, इतने पे कहानी जा रही है, कोई मजाक है? इतना पैसा खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो किस बेस के ऊपर आएंगे, छोटी मोटी लीगों के ऊपर? IPL एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका हुआ है, IPL खाली इंडिया का ब्रांड नहीं रहा, IPL पूरी दुनिया का एक ब्रांड बन चुका हुआ है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, यही वजह है कि सारे रिकॉर्ड वो लोग बना रहे हैं। मतलब 24 करोड़ से ज्यादा पैसों में बिका है जब वो मिचेल स्टार्क, और 20 करोड़ में, मतलब 20.5 करोड़ में जो है वो बिका है पैट कमिंस। जब पैट कमिंस 20 करोड़ में बिका ना, तो मैं सोच रहा था यार ये पैट कमिंस का रिकॉर्ड तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि ये 20 करोड़ तक जाना ये तो सालू लग जाएंगे, लेकिन वो कोई आधे घंटे में टूट गया। लाइक आधे घंटे में जो है वो स्टार्क ने आगे पैट कमिंस को साइड पे किया, और पैट कमिंस का रिकॉर्ड जो है वो स्टार्क ने, तो मतलब इतना पैसा है इंडिया के पास, इतना पैसा है वो जिधर वो फ्रेंचाइज के ऑनर बैठे हुए हैं, मतलब उड़ा रहे हैं यार पैसा। यकीन करो इतने पैसे में ना, इतने मतलब सिर्फ जितने स्टार्क लेके जा रहे हैं ना, उतने में मैं कहता हूँ पाकिस्तान का पता नहीं क्या से क्या बन सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं ना, तो स्टार्क पाकिस्तानी रुपीज में 75 करोड़ लेके गया, और पैट कमिंस को पाकिस्तानी पैसों में लेके गया भाई 60 से 65 करोड़ रुपया, लाइक 1 अरब से ज्यादा ये दोनों ले गए। यकीन करो इनसे रब्ता करो, ये पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, यकीन करो। अकेला स्टार्क बोले ना मैंने PSL करवानी है, वो कोई 15 बार PSL करवा ले, मतलब भिखारी लीग जिसको हम कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहते हैं PSL जी, इसमें जी BAI। तो जो इन दोस्तों, IPL 2024 का ऑप्शन जो कि दुबई के कोको कोला अरीना में था, और आज 19 तारीख को ऑप्शन था, जिसमें यार मतलब कि पैसों की बारिश हुई, क्योंकि जिस तरीके की बोली लगी प्लेयरों के ऊपर, जिसमें खास करके जो प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है, और जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी विजेता है, और हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों की ब्रांड वैल्यू थी वो कितनी बढ़ गई, आज वो आपने इस IPL के ऑक्शन में देखा। जिस तरीके से पैट कमिंस जो कि 20 करोड़ 50 लाख में बिके, उसके बाद जो IPL की हिस्ट्री के, यानी कि 2008 से लेकर 2024 तक IPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी बिका वो है मिचेल स्टार्क। मतलब कि यार मिचेल स्टार्क ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड ब्रोकर मिचेल स्टार्क निकला, और जिस तरीके की मिचेल स्टार्क पर बोली लगाई जा रही थी, एक तरफ से गुजरात टाइटंस बोली लगा रहा था, तो दूसरी तरफ से KKR बोली लगा रहे थे, इन दोनों के बीच में
मतलब कि स्पर्धा या फिर हरीफा बोल सकते हैं वो थी। गुजरात वाले बोल रहे थे हम मिचेल स्टार्क को लेंगे, या कोलकाता वाले बोल रहे थे ना हम लेंगे, गुजरात वाले बोल रहे थे तुम, कोलकाता वाले बोल रहे थे तुम, इसी बोली के चलते मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 50 लाख में मिचेल स्टार्क बिके, मतलब कि 25 करोड़ या आप गिन सकते हैं पूरे 25 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिका, यानी कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगा खिलाड़ी जो कि है अब मिचेल स्टार्क, जिसको केकेआर ने खरीदा 25 करोड़ में, 24 करोड़ 50 लाख में खरीदा केकेआर ने। उसके बाद दूसरा खिलाड़ी महंगा वो है पैट कमिंस, जिसने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जितवाया, वो भी इंडिया में वर्ल्ड कप जीता है, वो भी इंडिया के सामने। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा 20 करोड़ 50 लाख में। इंडिया में जो इंडियन प्लेयर थे इस लिस्ट में, इसमें सबसे हाइस्ट प्लेयर जो बिका है वो है हर्षल पटेल, जिसकी बिकने के प्राइस है 11 करोड़ 11 करोड़ 75 लाख रुपए में हर्षल पटेल बिका है। उससे ज़्यादा कोई भी इंडियन प्लेयर इतना एक्सपेंसिव नहीं बिका इस ऑप्शन की बात करें तो। और विदेशी खिलाड़ियों का तो एक तरह से बोलबाला ही था इस ऑप्शन में, चाहे आप ट्रैविस हेड को देख लीजिए, चाहे आप रोमन पावल को देख लीजिए, चाहे आप क्रिस वोक्स को देख लीजिए, सभी प्लेयरों पर बहुत ही ज़्यादा पैसे लग रहे थे। वो जिसमें ट्रैविस हेड पर 6 करोड़ 7 लाख में ट्रैविस हेड को खरीदा सनराइजर हैदराबाद ने, वो भी सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा, मतलब सनराइजर हैदराबाद ने सारी महफिल लूट ली। और एक तरह से बोले तो इस आईपीएल ऑक्शन में बड़े बड़े प्लेयर थे इस बार, इस बार मिचेल स्टार्क भी था, इस बार ट्रैविस हेड का भी नाम आया, इस बार क्रिस वोक्स भी था, इस बार पैट कमिंस भी था, जो कि बड़े बड़े प्लेयर। जिसमें सबसे ज़्यादा बोली लगी है तो वो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों पर ही सबसे ज़्यादा बोली लगी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों ने जो रिसेंटली परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया में खास करके, उसकी बदौलत ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को इतने करोड़ों में लिया गया टीम के ओनरों द्वारा, जिसमें मतलब कि यार मिचेल स्टार्क ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरीके की मिचेल स्टार्क के ऊपर बोली लग रही थी, मतलब कि यार आउटस्टैंडिंग पैसों की बारिश हो रही थी मिचेल स्टार्क के ऊपर। मिचेल स्टार्क का तो एक तरीके से बोले वो 2 महीना खेले या ना खेले, मिचेल स्टार्क को तो 25 करोड़ रुपए तो 2 महीने के ही मिल गए ऐसे ही। अब आप देखो कि इंडिया के पास कितना पैसा है, हमारे भारत के पास कितना पैसा है, हमारी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी है, इस ऑप्शन को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि ये आईपीएल का ऑप्शन है। आईपीएल जो 2 महीने चलती है उससे हमारी इंडिया की जीडीपी में कितनी ग्रोथ आती है, हमारी जीडीपी कितनी बढ़ती है, ये सब कुछ इसमें होता है, ना कि सिर्फ क्रिकेट होता है। मतलब कि ये पूरी तरह इंडिया को फाइनेंशियल तरीके से भी आईपीएल का ऑप्शन और आईपीएल के जो 2 महीने चलते हैं वो हेल्प करते हैं इंडिया को, इंडिया के फाइनेंशियल ग्रोथ में भी आईपीएल है, आईपीएल हेल्प करती है इंडिया को। और मतलब कि यार आज ऑप्शन ख़त्म हो गया अभी 4 बजे और मैच भी शुरू होने वाला है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेकेंड ओडीआई, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, उसके बाद तो बाद में करेंगे। मतलब कि यार आईपीएल में तो एकदम से पैसों की बारिश होने लगी सभी प्लेयरों ने। अब सबसे ज़्यादा पर्स यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे इस ऑक्शन में है तो वो गुजरात के पास है, जिसमें गुजरात के पास 31 करोड़ रुपीज़ गुजरात के पास से। उसके बाद जो कम पैसे गुजरात से ज़्यादा कम है वो है कोलकाता के पास, क्योंकि कोलकाता ने पूरे 25 करोड़ मिचेल स्टार्क पे लगा दिए और अब कोलकाता के पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं।